के प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर उनका आगाज जो है वो शुरू हो चुका है। फ्रांस में जो है वो लैंड हो चुके हैं और यहाँ पर फिलहाल हम खड़े हैं होटल प्लाजा एथेने के ठीक सामने। और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी के लोग और बैंड मेंबर्स ने उनका भव्य स्वागत पैरिस में लैंड होने के ठीक बाद किया है। हम बात करेंगे यहाँ पर बसंत ग्रुप के डायरेक्टर से, जिन्होंने एक गाना भी बनाया है, साथ ही ढोल धमाके से प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया है। सर, किस तरीके की प्रिपरेशन है, कब से प्रिपरेशन है और क्या मूड है? नमस्कार, आज तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे पीएम आज गेस्ट ऑफ ऑनर बन के फ्रांस आए, तो पूरे इंडियंस के लिए, हम सभी के लिए सम्मान की बात है। और जैसे हमें पता चला एक महीने पहले, तो हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी म्यूज़िक और डांस की, और फिर एक गाना भी हमने लिखा कि जितना अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं, पूरे हमारा इंडिया का नाम बढ़ा रहे हैं, उस पर हम लोगों ने एक गाना बनाया। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि गाने के कुछ बोल हम आज तक के दर्शकों को सुनाएं और किस तरीके से प्रिपरेशन उन्होंने किस गाने को लेकर मोदी के स्वागत के लिए की है, आइए सुनते हैं। भारत की आजादी का ये अमृत काल है, मोदी जब से आए तब से कर दिया कमाल है। मोदी 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 मोदी, अरे मोदी जी कमाल करते, मोदी जी कमाल, देश की है शान मेरे मोदी जी कमाल है। मोदी 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 मोदी, ये पूरा गीत है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा गीत उन्होंने लिखा हुआ है, कुछ उसके लाइंस जो है वो यहाँ पर गा के सुनाई है। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में है, आप लोग बहुत सालों से पेरिस में बेस्ड हैं, किस तरीके से आप इस पूरी विजिट को देखते हैं? बहुत मजा आया, और मोदी जी से मैं वैसे तो मिला हुआ हूँ, पहली बार पहले आए थे उस टाइम पर। इस टाइम में जब ढोल बजा रहा था, मेरे पास आए वो और मेरे से बात की उन्होंने कि इसाफा दे के राजस्थानी ड्रेस में, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो परसों बीकानेर में थे, तो बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। जी जी हाँ जी हाँ, मैं इनक्रेडिबल मैं बता नहीं सकता, मेरे पास लव्ज नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके से लोग हैं यहाँ पे, आप सब लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए थे। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर योर मूड? नमस्कार, आई एम डॉक्टर मालिनी रंगनाथन, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डी फॉर फ्रांस, द फर्स्ट टाइम हियर आई गो, यस, एंड आई एम वेरी प्राउड। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम मोदी जी यहाँ आए हैं और हम बहुत गर्व से अभी कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और फ्रांस में आके मैं यहाँ कथक नृत्य सिखाती हूँ और सारे ऑलमोस्ट 25,000 फ्रेंच गर्ल्स हैव लर्न कथक, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, थैंक यू, एंड आवर आर्ट, एंड इट्स सो प्रेशियस दैट वी मस्ट कंटिन्यू टू प्रमोट, वीव ला फ्रांस, जय भारत। सर, भारत देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे कितने सही तरीके से इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी के लोग आए हैं, कथक सिखाती हैं, 25,000 से ज़्यादा गर्ल्स को, फ्रेंच गर्ल्स को कथक जो है सिखाया, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया गया है। भारत और फ्रांस रिश्तों की बात करें तो कल्चरली हेरिटेज वाइज भी बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन जो है भारत और फ्रांस के बीच में है। ये थी मेरी रिपोर्ट नेहा सूर्यवंशी की, फ्रांस आज तक के लिए पेरिस से।